शराबबंदी के मद्देनजर जिले में पुलिस विभाग की ओर से एक पथक की स्थापना की गई। इस पथक के द्वारा अवैध शराब तस्करों पर नजर रखी जाएगी तथा कार्रवाई की जाएगी। इस पथक में एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक सब पुलिस इंस्पेक्टर और 10 कर्मचारी शामिल होंगे। इस पथक को नागरिक फोन द्वारा जानकारी दे सकते हैं, जिसके लिए पुलिस विभाग की ओर से एक नंबर उपलब्ध कराया गया है, जिस पर नागरिक फोन कर पथक को शराब तस्करों की जानकारी दे सकते हैं। पुलिस विभाग जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखेगा। पथक के जरिए इस जानकारी के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये फोन नंबर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 2017 में 40 करोड़ से ज्यादा कीमत की शराब और मुद्देमाल पुलिस विभाग की ओर से पकड़ा गया। अवैध शराब के तस्करी में 300 के ऊपर 4 पहिया और 900 के ऊपर 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस विभाग के पास अवैध शराब तस्करी के मामले में 100 तड़ीपारी के प्रकरण है, जिसमें से 10 अपराधियों को तड़ीपार किया गया। ऐसी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक हेमराज सिंह राजपूत ने दी। आज से दारूबंदी के लिए एक नया पथक चंद्रपुर जिले के लिए तैयार किया गया है। उसमें एक PI, एक सब इंस्पेक्टर और 10 कर्मचारी डेडिकेटेड उसके लिए हमने अलग से निकाले है। एक डेडिकेटेड हमने फोन नंबर भी कंट्रोल रूम में उसके लिए दिया है। जो नागरिक है उनसे मेरा आह्वान रहेगा कि आपको दारूबंदी से रिलेटेड, दारू से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी है तो कृपया उस नंबर पे आप ये जानकारी बिना नाम बताए भी आप वहाँ पे दे सकते हो। उसी आधार पे इस पथक के जरिए उस इंफॉर्मेशन पे कार्रवाई की जाए। अब तक 2017 में 40 करोड़ से ज़्यादा की दारू और उससे रिलेटेड जो मुद्देमाल है वो जब्ती हुआ है। इस कार्रवाई में 300 के ऊपर 4-व्हीलर और करीब 900 के ऊपर 2-व्हीलर की जी जब्ती है, वो जब्ती भी उसमें की गई है। दारू के केसेस में जो आरोपी मिलते हैं उनके ऊपर की प्रिवेंटिव एक्शन के सिलसिले में 110 के ऊपर जो 93 की कार्रवाई है वो कार्रवाई भी इसमें की गई है। तड़ीपारी की जो कार्रवाई होती है वो तड़ीपारी में भी 100 के ऊपर प्रपोजल है, उसमें से 10 जो प्रपोजल है उसमें जो क्रिमिनल्स अब तक तड़ीपार हो चुके हैं। इस नंबर में हमने ऑलरेडी प्रिंट मीडिया में वो नंबर सर्कुलेट किया। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और आप लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रपुर की जनता तक ये नंबर पहुंचे और वहाँ पे जो दारू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपके तरफ से इस नंबर पे कंट्रोल रूम तक आ सके। इसलिए जो नंबर देने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, उसका नाम हम गुपित रखने वाले हैं। इस जो रजिस्टर हम कंट्रोल रूम में मेंटेन करने वाले, जो रजिस्टर मैं खुद देखने वाला हूं और रजिस्टर के इन्फॉर्मेशन के आधार पर अगर सही है इन्फॉर्मेशन तो उसके आधार पर हमारे तरफ से 100% कार्रवाई की जाएगी।